Bismillahir Rahmanir Rahim Assalamu Alaikum dear students and co teachers I welcome you all in the very first lecture of the course school community and teacher You might have had the initial lectures of this course in your respective campuses however we will take this course from a very beginning so before going into the deeper um, content, I would like you to have an uh, have a look over the um, points which we'll be discussing in this lecture. We will have some definitions of uh, community, and uh, we will also identify the structure of a community. In addition to this, we will differentiate between a community and society. We will also discuss the types of community, and in this lecture, we will. Um, discussing the functions of a community so before uh, starting the deeper discussion let's have a look on the simple and a very basic definition of community a community is a group of individuals residing in a specific geographic location which means that a community is a group of human beings who share the same environment and uh, who may be living in a certain uh, or a specific geographical location? There are some other attributes uh, which may help us to understand the community. Uh, community is um, uh, defined by certain characteristics that the members of that community may share with each other, and these characteristics include culture, language. ट्रेडिशन रेस एंड जोग्राफी एट्सट्रा जैसा कि हम देखते हैं कि हर कम्यूनिटी uh, जो है उसका एक अपना मखसूस कल्चर होता है और हर कम्यूनिटी की एक स्पेसिफिक सर्टन लैंग्वेज होती है और उसकी अपनी कुछ ट्रेडिशन्स होती हैं जो उसे दूसरी कम्यूनिटी से uh, मुख्तलफ बनाती हैं तो आगे चल के हम इसकी डिटेल भी डिस्कस करेंगे कि कौन सी कम्युनिटीज जो हैं उनका कल्चर ट्रेडिशन या उनकी जो लैंग्वेज है वो क्या है लेकिन उस उससे पहले ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए ये चीज़ जानना कि कम्युनिटी के बाकी के क्या एट्रीब्यूट्स हैं जो इसे डिस्टिंक्ट बनाते हैं तो कम्युनिटी का एक बहुत ही की या डिस्टिंक्ट फीचर जो आप कह सकते हैं वो ये कि कम्युनिटी कॉन्क्रीट होती है इसका मतलब ये है कि कम्युनिटी जो है हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं यू लोकेट कर सकते हैं क्योंकि कम्युनिटी जो है एक मखसूस इलाके के अंदर रिज़ाइड करती है या वो एक मखसूस जो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स है वो एक सर्टन इलाके के अंदर रहते हैं तो वो हमारे लिए आइडेंटिफाई करना या लोकेट करना उसके जो जोग्राफियाई हदूद को आइडेंटिफाई करना बहुत आसान हो जाता है In addition to this, community um, has some common interest and common objectives, which means that the individuals who reside in a certain community, they, they, they have some common interest and they strive for accomplishing some certain objectives. So, everyone is objectives achieve those objectives. कम्युनिटी का एक और बहुत अहम फीचर या एट्रीब्यूट ये है कि कम्युनिटी के अंदर कम्युनिटी सेंटिमेंट पाया जाता है कम्युनिटी सेंटिमेंट का मतलब ये है कि एक कम्युनिटी के अंदर रहने वाले तमाम अफ़राद जो हैं वो एक दूसरे के साथ बहुत इस तरह से जुड़े होते हैं कि एक दूसरे की तकलीफ़ को महसूस कर सकते हैं तो ये चीज़ जो है वो Um, सिर्फ कम्युनिटी के अंदर पाई जाती है सो इफ देर इज़ नो कम्युनिटी सेंटिमेंट देर इज नो कम्युनिटी कम्युनिटी का एक और अहम एट्रीब्यूट ये है कि इट्स स्मॉलर देन सोसाइटी वी विल बी फर्दर डिफ्रेंशिएटिंग बिटवीन अ कम्युनिटी एंड अ सोसाइटी बट हियर जस्ट टू अंडरस्टैंड आई वुड लाइक टू शेयर कि जो कम्युनिटी है दिस इज दार्ट ऑफ अ लार्जर सोसाइटी सो सोसाइटी इज अ whole and community is the part or an ingredient of that whole all right so uh, here i would like to uh, talk about the society because uh, uh, most of the time we use both the terms community and society together synonym. <laughs> सोसाइटी का लफ्स हम इस्तेमाल करते हैं कम्युनिटी के लिए लेकिन देर इज़ अ फाइन लाइन बिटवीन अ कम्युनिटी एंड अ सोसाइटी एंड यहाँ पे हम देखेंगे कि वो क्या चीज़ें हैं वो क्या एट्रीब्यूट्स हैं जो एक कम्युनिटी को एक सोसाइटी से मुख्तलिफ बनाते हैं तो सोसाइटी जो है बेसिकली इट्स अ वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स जब हम बात करते हैं वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स की तो इसका मतलब ये है कि ये एक ऐसा सोसाइटी एक ऐसा नेटवर्क है जिसके अंदर बहुत सारे अफराद हाँ, किसी भी कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हों वो एक दूसरे के साथ कि कहीं ना कहीं उनका इंटरेक्शन हो रहा होता है सोसाइटी और कम्युनिटी के हवाले से थोड़ा सा एक बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पे देती चली जाऊँ कि एक जर्मन सोशियोलॉजिस्ट है जिसका नाम फेडीनन टॉनीज़ है फेडिनन जो है उसने सोशल टाइज को दो कैटेगरीज में उसने डिवाइड किया है एक को वो नाम देता है गैमन और दूसरे को वो नाम देता है गैजल तो जो गैमन है Uh, वो बेसिकली कम्युनिटी है जिसमें uh, लोगों का कॉपरेशन इन्वॉल्व होता है और लोग क्लोज इंटीमेट और uh, एक तरह से इनफॉर्मल इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स में इन्वॉल्व होते हैं ऑन दी अदर हैंड वी हैव गज़ल शॉफ्ट और गज़ल शॉफ्ट बेसिकली टर्म फैडीन एंड टोनी जो है वो यूज़ करता है सोसाइटी के लिए और सोसाइटी uh, में जो रिलेशनशिप की नेचर है ये नौियत है Uh, वो बेसिकली दैट इज ऑफ प्रैक्टिकल नेचर ऑब्जेक्टिव नेचर और फॉर्मल इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स जो है वो एग्जिस्ट करते हैं ठीक है सो so, यहाँ पे अब हम सोसाइटी के हवाले से थोड़ा सा उसके एट्रीब्यूट्स को फर्दर डिस्कस करेंगे कि सोसाइटी जो है इट इंक्लूड्स एवरी रिलेशनशिप इस्टेब्लिश्ड अमंग पीपल तो खाब वो रिलेशनशिप जो है डायरेक्ट हो इनडायरेक्ट हो ऑर्गेनाइज हो अनऑर्गेनाइज हो कॉन्शियस हो या अनकॉन्शियस हो ये सारे जो सोशल टाइज हैं या रिलेशनशिप्स हैं वो सोसाइटी के अंदर एग्जिस्ट कर रहे होते हैं इसकी एक एग्ज़ाम्पल हम यूँ ले सकते हैं कि जब हम ये कहते हैं कि सोसाइटी के अंदर रिलेशनशिप की नेचर जो है वो डायरेक्ट भी हो सकती है तो इनडायरेक्ट भी तो इसके हवाले से एक बहुत ही सादा सी मिसाल हम यूँ ले सकते हैं कि अली और अहमद दो दोस्त हैं और इन दोनों का जो एक सोशल टाई या रिलेशनशिप है दैट इज़ ऑफ डायरेक्ट नेचर लेकिन अली का एक दोस्त हमजा है और हमजा जो है वो अल अहमद के साथ उसका जो रिलेशनशिप है दैट इज़ इनडायरेक्ट बिकॉज़ अली एंड अहमद बोथ आर फ्रेंड्स एंड अलीज फ्रेंड आई मीन अलीज़ फ्रेंड नोज अहमद्स फ्रेंड्स सो दैट्स वाई दे

वी गेट इन टू इंटरेक्शन विद अदर पीपल और इंडिविजुअल्स अनकॉन्शियसली उसमें हमारी आप कह लें कि कोई इंटेंशन से इन्वॉल्व नहीं होते लेकिन वो कॉन्टेक्स्ट वो सिचुएशन वो सरकमस्टांसिस ऐसे होते हैं कि हम अनकॉन्शियसली इंटरक्शन में इन्वॉल्व हो जाते हैं सोसाइटी का एक और अहम फीचर ये है कि अ डेफिनेट जोग्राफिकल एरिया इज़ नॉट नेसेसरी फॉर सोसाइटी सो सोसाइटी जो है दैट कुड बी फाउंड एनी वेयर इन द वर्ल्ड और अराउंड द वर्ल्ड आप इसको ईजीली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते क्योंकि एक सोसाइटी के अफराद जो है वो किसी दूसरी सोसाइटी uh, में आप कह लें कि uh, वो रिजाइड कर रहे हो सकते हैं मे बी ऑन टेम्प्ररी बेसिस और मे बी ऑन पामनेंट बेस तो इसके अलावा एक और अहम एट्रीब्यूट सोसाइटी का ये है कि इट इज़ यूनिवर्सल एंड प्रवासिव यूनिवर्सल इन देंस जो भी मैंने uh, बात की कि एक कम्यूनिटी uh, के अफराद जो हैं वो किसी दूसरी सोसाइटी के अंदर हो सकता है रिजाइड कर रहे हो फॉर एग्जाम्पल अफ्रीकन सोसाइटी के अफराज जो है वो अमेरिकन सोसाइटी में भी रह रहे होंगे सिमिलरली एशन इंडिविजुअल्स दे मे बी रिजाइडिंग इन दी इन सम अदर सोसाइटीज़ तो इस तरह डिफ्रेंशिएट करना या ईजीली आइडेंटिफाई करना uh, थोड़ा सा मुश्किल महसूस होता है सोसाइटी के हवाले से कम्युनिटी सेंटीमेंट की हमने बात की थी विच इज़ अ की फीचर ऑफ अ कम्युनिटी लेकिन सोसाइटी के अंदर कम्युनिटी सेंटीमेंट मौजूद नहीं होता इट्स नॉट ऑलवेज नेसेसरी नेसेसरी फॉर फॉर अ सोसाइटी टू हैव द कम्युनिटी सेंटीमेंट इसकी एक मिसाल हम यूँ ले सकते हैं कि दुनिया के किसी भी सोसाइटी में अगर कोई इशू uh, रेज होता है कोई प्रॉब्लम जो है इट मे हैपन देयर तो uh, उस सोसाइटी के तमाम अफराद उस एक प्रॉब्लम या उस एक इशू uh, के ऊपर बात नहीं करते एंड दे डू नॉट कम फॉर कम फॉरवर्ड टू सपोर्ट दैट सर्टेन ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हु आर और हु मे बी द अफेक्टेड ऑफ दैट प्रॉब्लम और द इशू अभी हम इसकी मिसाल यूँ ले सकते हैं कि इंडिया के अंदर अभी सिटीज़नशिप जो बिल प्रेजेंट किया गया उसके हवाले से एक हमें बहुत ज़्यादा एजिटेशन नज़र आई बहुत ज़्यादा क्योस नज़र आया इंडिया के अंदर लेकिन इन द फर्स्ट इंस्टेंट्स हमने देखा कि मुस्लिम कम्युनिटी जो थी उस इंडियन um, सोसाइटी की दे केम फॉरवर्ड फॉर देयर ओन राइट्स क्योंकि उन्हें लगा कि ये जो बिल है दैट इज़ नॉट इन देयर फेवर एंड दैट कैन नॉट बी बेनिफिशियल टू देम इन इन द इन द नियर बाई फ्यूचर लेकिन बाकी कम्युनिटीज़ जो हैं या बाकी मज़ाहब के लोग जो हैं उन्होंने उस स्ट्रोंग तरीके से पहले आवाज़ नहीं उठाई लेकिन बाद में हमने देखा कि जो इंसानी हकूक़ की अलंबरदार तनज़ीमें हैं इंडिया के अंदर उन्होंने भी आ, उन सेकुलर आ, जो ऑर्गेनाइजेशंस से हैं या इंडिविजुअल्स हैं उन्होंने भी मुसलमानों की सपोर्ट के लिए आवाज़ उठाई लेकिन जो एक कम्युनिटी सेंटीमेंट की हम बात कर रहे हैं वो हमेशा कम्यूनिटी के अंदर तो मौजूद रहता है लेकिन सोसाइटी में समाइम वी मे फाइंड इट एबसेंट इसके अलावा सोसाइटी का एक और अहम एंट्रीब्यूट ये है कि सोसाइटी इज़ वाइडर सो देर कैन बी मोर देन वन कम्युनिटी इन अ सोसाइटी इस पर हमने पहले भी बात की है कि सोसाइटी इज अ लार्जर होल और जो कम्युनिटी है दैट इज ओनली वन पार्ट ऑफ देट लार्जर सोसाइटी तो एक सोसाइटी में प्रोबेबिलिटी ये है कि मोर देन वन कम्युनिटीज में एग्जिस्ट एट अ टाइम सोसाइटी एब्स्ट्रैक्ट होती है uh, क्योंकि uh, जैसे पहले मैंने जिक्र किया कि सोसाइटी जो है क्योंकि एक बहुत uh, बड़ा फिनोमिना है और उस फिनोमिना के अंदर जो नेटवर्क ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स है उसको हम इज़ीली uh, ना तो हम उसको देख सकते हैं ना उसको हम टच कर सकते हैं ना फील कर सकते हैं सो दैट्स द रीज़न वी आर कॉलिंग अ सोसाइटी एन एब्सट्रब्सट्रैक्ट फिनोमिना और सोसाइटी के हवाले से एक और चीज़ ये कि कॉमन इंटरेस्ट एंड कॉमन ऑब्जेक्टिव्स आर नॉट नेसेसरी इन सोसाइटी सो पीपल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स दे में स्ट्राइविंग फॉर फॉर देयर इंडिविजुअल इंटरेस्ट और फॉर देयर इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स सो एक जो शेयर्डनेस है या हम एक कह सकते हैं कि जो एक टुगेदरनेस है दैट इज़ मिसिंग इन द सोसाइटी So here, uh, there uh, we can see a key difference between a society and a community. And uh, one thing which makes a society uh, different different from a community is a society. It involves both likeness and difference. But most of the time, differences dominated in the in the society. ऑन द अदर हैंड कम्युनिटी जो है उसके अंदर लाइकनेस इज मोर इम्पोर्टेंट एंड लाइकनेस इज मोर प्रोमिनेंट दैन डिफरेंस इन अ कम्युनिटी और सोसाइटी जो है क्योंकि वो सोशल उसके अंदर जो रिलेशनशिप्स हैं उसकी नेचर जो है वो थोड़ा सा आप कह लें कि टेम्पररी भी होती है इनडायरेक्ट भी होती है तो वंस द सोशल टाइज एंड तो उसके साथ ही वो जो एक सोशल रिलेशनशिप uh, है या आप कह लें कि वो जो एक कॉमन um, इंटरेस्ट um, हो